गुड मॉर्निंग सभी को। देखो बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे, सूडो फोर्स। अभी हमारे न्यूटन्स के लॉ ही चल रहे हैं, उसमें कुछ ट्विस्ट है कुछ न्यूमेरिकल्स में, कि उनको थोड़ा सा एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में हम कैसे सोल्व करेंगे। तो आपके पास सूडो फोर्स को फेक फोर्स भी कहा जाता है, झूठा फोर्स भी कहा जाता है, कि ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है, बस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इसे कंसिडर किया गया है। ऐसा कोई फोर्स नहीं होता, सिर्फ प्रॉब्लम्स को कंसिडर करने के लिए क्या करा गया, इसको सोल्व करने के लिए इसको कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारे न्यूटन्स लॉ की कुछ कंडीशन थी कि वो इनर्शियल फ्रेम में ही क्या थे, वैलिड थे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो है वो वैलिड नहीं थे। ठीक है, न्यूटन्स के जो लॉ थे आपके, वो सिर्फ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते थे। पहली लिमिटेशन ये थी न्यूटन्स के लॉ की, कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करते थे, डिपेंड करते थे। ठीक है, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स वहां से डायरेक्ट जब हम ग्राउंड पे ऑब्जर्वर को मान रहे थे तो वहां से सोल्व करने में क्या थी, डिफिकल्टी थी। जैसे न्यूटन्स के लॉ जो है वो डिपेंड करते थे किस पे, डिपेंड्स ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, जैसे कोई ट्रेन गाड़ी जा रही है, एक बंदा उस गाड़ी में बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है ड्राइवर को, और एक बंदा जो ग्राउंड पे खड़ा है वो ड्राइवर को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन में कंडीशन अलग अलग हो जाएगी। जो गाड़ी में बैठा उसके रिस्पेक्ट में ड्राइवर किस में, रेस्ट में, और जो बाहर ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहे गाड़ी को, उसके रिस्पेक्ट में गाड़ी का ड्राइवर किस में, आपका मोशन में है। इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप कहाँ से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके बेसिकली दो होते हैं, रेफरेंस एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल के अंदर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है आपका, जीरो। इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, होल्ड होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होता है, देन किसकी बात करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आपके पास न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स के जो लॉ है वो आपके होल्ड नहीं होंगे। बेटा अपनी पिक्चर हाइड कर लो, ये स्क्रीन पे कौन आ रही है, किसकी पिक्चर आ रही है, पिक्चर हाइड करो बेटा, ये पिक्चर हाइड कर लो जिसकी स्क्रीन पे पिक्चर आ रही है, ये जिसने कान में हेड लगा रखे है, हेडफोन लगा रखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन्स लॉ आपके होल्ड नहीं होंगे, और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन्स लॉ क्या होंगे, होल्ड। इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं, जिसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। जिसका एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, जीरो, उसे इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और जिस फ्रेम में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो उसे क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बार इस पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, इसके अंदर वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी नॉट ए कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए एक बार इसको। देखो
कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता। अर्थ को अज्यूम करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि अर्थ जो है वेरी स्लो स्पीड से मूव करती है। अर्थ की स्पीड क्या होती है? वेरी स्लो होती है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। जैसे गाड़ी मूव कर रही है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, उस सिचुएशन में अर्थ की स्पीड बहुत कम होने के कारण उसको क्या, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, देखो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपके पास अर्थ, ये माइक किसका होने, माइक ऑफ कर दो बेटा एक बार। अक्षत राव माइक ऑफ करो, रेडमी है, रेडमी माइक ऑफ करो, ठीक है। लेकिन अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द मोशन ऑफ अदर बॉडीज, ठीक है। इसलिए उसको क्या मानते हैं, अर्थ अर्थ कंटिन्यू मूव करती रहती है ना, लेकिन फ्रिज रखा हुआ है, टीवी रखा घर में, वो रेस्ट में, तो आपके रिस्पेक्ट में किस में है वो, रेस्ट में आप मूव कर रहे हो, लेकिन आपके आपको घूमता हुआ नजर नहीं आता ना वो, इसलिए अर्थ को अज्यूम करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअल में अर्थ आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता, ठीक है। अर्थ अज्यूम ओनली द रेफरेंस, क्योंकि अर्थ कंटिन्यू मूव कर रहा है, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है। लेकिन अर्थ तो कंटिन्यू मूव करता रहता है, ठीक है। इसलिए और स्पीड भी सेम नहीं होती, अलग अलग एक्सिस के ऊपर स्पीड अलग अलग होती है, लेकिन अर्थ की स्पीड कम होने की वजह से ऑब्जर्वर के अर्थ को अज्यूम करते हैं, मानते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नोट कर लिया ये सभी ने? अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपके। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि जैसे मान लिया ये आपके पास एक लिफ्ट है, एक्सेलरेटेड लिफ्ट, एक्सेलरेशन ए है, ये एक ब्लॉक था जिसका मास एम है, ये किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ब्लॉक के कारण यहाँ पे वेट क्या लगेगा आपका, एम जी, वेट क्या लगेगा आपका, एम जी लगेगा, और ये क्या लगेगी आपकी टेंशन, टी लगेगी ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। यह है कि ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, बस दिख रहा है सभी को अच्छे से, ये वेट के कारण फोर्स एम जी, एक्सेलरेशन क्या है इधर, तो न्यूटन अब पहले इस सिचुएशन में ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, रेस्ट में। मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन करवाए हैं उन सभी में ऑब्जर्वर किस में था आपका, रेस्ट में, और कहाँ था, ग्राउंड पे होता था ऑब्जर्वर, कहाँ पे होता था, ग्राउंड पे। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा आपको ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये जो एम मास है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, एम मास जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो एबीडी बनाते हैं F नेट बराबर M में, एबीडी क्या बनेगी इसकी, मास M की, टेंशन T ऊपर, वेट के कारण फोर्स mg, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास, एक्सेलरेशन ऊपर, तो T माइनस mg बराबर ma, तो T किसके बराबर आया, mg प्लस में ma, इसको स्प्रिंग कह दो, थोड़ा अच्छे समझ आ जाएगा, टेंशन में ये यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अब देखो स्यूडो फोर्स का मैंने, देखो स्यूडो फोर्स मैंने कहा फेक फोर्स है, ठीक है। दिस इज ओनली कंसिडर टू प्रॉब्लम सोल्व इजिली, कुछ प्रॉब्लम्स को इजिली सोल्व करने के लिए इसको कंसिडर किया गया। देखिए जैसे आपके पास ये वेट ऑफ मास m है, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये वेट के कारण फोर्स mg लगा, स्प्रिंग में टेंशन के आपकी t है। अब की बार ऑब्जर्वर आपका यहां बैठा हुआ है लिफ्ट के अंदर, अब की बार ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, लिफ्ट के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि ये एम मास रेस्ट में है, गाड़ी में बैठा हुआ पैसेंजर एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या होता है, रेस्ट में होता है, तो इसको क्या लगेगा कि ये एम मास किस में है, रेस्ट में है, उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एबीडी क्या बनी,
टी बराबर एफ बी टी क्या बनेगी हम मास की, ये रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो, टेंशन टी और ये आपका एम जी, तो टी बराबर एम जी। तो ये तो रीडिंग अलग अलग आ गई आपके पास, देखो उसी सिस्टम के लिए यहाँ रीडिंग आ रही है एम जी प्लस ए और यहाँ रीडिंग आ रही है एम जी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को लैब में लेके गए इस सिस्टम को। टेंशन जो है कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, टेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टेंशन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, कहीं से भी ऑब्जर्व करो, आप यहां से ऑब्जर्व करोगे तब भी वो यही रहेगी, यहां अंदर से बैठ के लिफ्ट के अंदर बैठकर ऑब्जर्व करोगे तब भी वो वही रहेगी, ठीक है। तो फिर ये आंसर कैसे चेंज हो गया, इन दोनों सिस्टम को लेबोरेटरी में लेके गए, ठीक है। तो वहां पे क्या देखे गए कि ये तो सही है लेकिन ये गलत है, ये क्या है गलत है, क्योंकि टेंशन तो सेम रहेगी, टेंशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड है नहीं करती, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए एम जी प्लस एम ए। तो वहां पे क्या अज्यूम करा गया कि आपके पास क्या कंसेप्ट लगाया कि आपके पास ठीक है ये मास एम इसके रिस्पेक्ट में क्या है रेस्ट में है, लेकिन ये ए एक्सेलरेशन से मैन लिफ्ट ऊपर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ये आदमी जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर तो जा ही रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या माना गया कि स्यूडो फोर्स एफ बराबर माइनस एम ए, एफ बराबर माइनस एम ए, एक स्यूडो फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस लिफ्ट, जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से जा रही है ऊपर, वो क्या बनेगा इसके अपोजिट में क्या लगा दोगे हमेशा क्वेश्चन में कि जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस का मतलब क्या है कि जिधर एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या लगा दोगे एम ए लगा दोगे, ठीक है। ये माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है देखो, टी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एम जी के, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं ये कह रही हूं कि ये सिस्टम में देखा जाए तो टेंशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो टेंशन की वैल्यू ये भी यही आनी चाहिए और यहाँ पे भी वैल्यू यही आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जब हमने ये सिस्टम देखा तो पहली सिचुएशन में हमने ये देखा कि टी बराबर क्या हो गया आपके पास एम जी, तो ये रीडिंग गलत थी। इसका मतलब जो लेबोरेटरी में देखा गया तो क्या माना गया कि देखो ये एक्सेलरेशन ए से ये मैन ऊपर भी तो जा रहा है, जब गाड़ी चल रही है तो ए एक्सेलरेशन से, तो उसमें बैठा हुआ गाड़ी का जो पैसेंजर है वो भी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। मेरी बात समझिए कि जब गाड़ी ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है तो ये मैन के रिस्पेक्ट में ये मास जो है ये रेस्ट में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब गाड़ी आगे बढ़ रही है किसी एक्सेलरेशन ए से तो मैन और जो मास एम है वो भी किसी एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहे हैं, इसी एक्सेलरेशन ए से कहां जा रहे हैं वो आगे जा रहे हैं आपके पास। और ये जो एम मास होता है ना, ये एम मास किसका होता है, मास होता है मैन, मास ऑफ दी मैन, ए एक्सेलरेशन, ए क्या होता है यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन, इसलिए क्या करते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मास ऑफ द बॉडी आएगा भैया, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, और ये एक्सेलरेशन किसका होगा मैन का, एक्सेलरेशन ऑफ मैन। तो उसके लिए क्या करते हैं इससे अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एम ए लगा देंगे, फोर्स लगा देंगे, एक्सेलरेशन ऊपर था तो इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगा देंगे एम ए, अब इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स और लग गया एम ए, तब क्या बना देखो, टेंशन ऊपर है एम ए प्लस एम जी, तब आपका आंसर देखो सेम आया जो कि आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे थे तब आ रहा था। तो कुछ प्रॉब्लम्स में क्या मानेंगे कि जब भी आपको क्या होगा स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन होगा, या क्वेश्चन में कहेगा नहीं स्यूडो फोर्स से करो, वो आपकी मर्जी है, वो कई बार क्वेश्चन में कह देता है वो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, वो बात सिचुएशन अलग है, वो कहता है कि बॉडी पे बैठा है तो वो फिर स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लग गया। मैं कहूँ कि तुम बस जा रही थी, तुम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा था, एक पर्सन उस गाड़ी में बैठ कर ही उसको ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे पास सीधा सीधा कंसेप्ट स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन आए तो जो मास बॉडी का क्या करोगे जिधर एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर एम ए मास लगा दो, बॉडी के ऊपर क्या लगा दोगे एम ए, ठीक है। तो टोटल आपका आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा, और आंसर सेम आएगा जो ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे वो भी सेम होगा और यहां से ऑब्जर्व करोगे वो भी क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है।
एक बार बताओ समझ आया या नहीं आया, या दोबारा से बताओ, बताइए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम मास किसका है, मास ऑफ द दर, ऐसे लिख देती हूं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का, मैन मून भी छोड़ो, कुछ भी हो सकता है ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वर कौन है आप यहाँ पे, मैन, ऑब्जर्वर कौन है, मैन, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने मैन, ठीक है। मास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये जो भी आपकी बॉडी थी, जो भी थी। नहीं समझ आया एक बार फिर बताऊं, कुछ भी नहीं करना, देखो फिर से बता देती हूँ, कोई डाउट है तो, कि आपके पास ये बॉडी का मास था, यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको सीधा सीधा लग रहा है कि ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो आपका न्यूटन का लॉ वैलिड था यहाँ पे, क्योंकि जब ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं तो ग्राउंड किस में रहता है, रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो वहां पे आपका न्यूटन का लॉ होल्ड था। लेकिन जब स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट आया था, न्यूटन का लॉ वहां पे डायरेक्टली होल्ड नहीं था, ठीक है, न्यूटन के लॉ होल्ड नहीं थे। तब न्यूटन के लॉ को होल्ड करने के लिए, न्यूटन के लॉ को होल्ड करने के लिए एक कंसेप्ट लगाया स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट क्या आया, कि जिधर भी बॉडी का एक्सेलरेशन हो, जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर ही बैठा हो, उस सिचुएशन में अपोजिट एक्सेलरेशन उससे अपोजिट डायरेक्शन में एम ए लगा दो, और ए क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और एम क्या रहेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए भी द एक्सेलरेशन। जब ये ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ये मैन भी ए एक्सेलरेशन से किधर जा रहा, ऊपर जा रहा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपोजिट लगा दे, तो देखो ये रीडिंग और ये रीडिंग दोनों क्या आई, आपकी सेम आई या नहीं आई, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ऑब्जर्वर को ग्राउंड में भी मानकर और ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर भी कंसिडर करके। अभी बताओ समझ आया या नहीं आया, बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बताइए एक बार। आ गया मैम, ठीक है, जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो
तो एक कंपोनेंट टी कोस थीटा और एक कंपोनेंट बन जाएगा टी साइन थीटा। एबीडी को यहाँ निकाल देते हैं एक बार कि ये टेंशन टी, तो टी के दो कंपोनेंट बन गए, एक इधर, तो मैं इस टी को हटा देती हूँ। एक कंपोनेंट बना टी साइन थीटा, एक कंपोनेंट बना टी कोस थीटा। इधर क्या है आपका एम ए और इधर क्या लगा आपका एम जी। ठीक है, अब एबीडी पर लगा दीजिए। तो यहां से क्या बना आपके पास, टी कोस थीटा बराबर एम जी हो जाएगा। टी कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के हॉरिजॉन्टल फोर्स। टी साइन थीटा बराबर एम ए, दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, टी से टी कैंसिल, एम ए बाई एम जी, एम से एम कैंसिल, तो टेन थीटा कितने के बराबर हो गया, ए बाई जी के। तो थीटा किसके बराबर हो गया, टेन इनवर्स ए बाई जी। थीटा किसके बराबर हो गया, टेन इनवर्स ए बाई जी। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन या नहीं आया एक बार बताइए। मनीष माइक ऑफ करो, हर्ष माइक ऑफ करो, तुम एक बार दोबारा बता दो। ओके माइक ऑफ करो। ठीक है, देखो मैंने अभी बताया था आपको पीछे कि सुडो फोर्स होता नहीं है एक्चुअल में, अज्यूम करा गया था प्रॉब्लम्स को सोल्व करने। सुडो फोर्स कब लगाओगे, जब ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर ही बैठ जाए, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बैठ जाए वहीं पे। ठीक है, तो ट्रॉली के अंदर ही बैठा हुआ ऑब्जर्वर यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये एक्सेलरेशन से ट्रॉली आगे बढ़ेगी तो ये पेंडुलम पीछे बढ़ेगा, पीछे की साइड में जाएगा। तो वो कह रहा है कितने एंगल थीटा से वो पीछे जाएगा। तो मैंने अभी बताया कि जब भी सुडो फोर्स का कंसेप्ट हो तो जिधर एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पे क्या लगा दो, एम ए। एम क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए भी द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मैंने इसकी एबीडी बनाई। तो देखिए ये पेंडुलम है, इसके अंदर ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ऊपर, तो ये क्या होगी टेंशन टी। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा थीटा। इसके दो कंपोनेंट बन गए कि इस डायरेक्शन में टी कोस थीटा और इधर क्या बन गया टी साइन थीटा इस टी के। ठीक है, वेट के कारण फोर्स एम जी और स्यूडो फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे, ये एम ए। ये फोर्स क्या लग रहा है आपका, एम ए, एक्सेलरेशन से अपोजिट। मैंने इसको अलग से निकाल लिया एक बार कि ये टेंशन टी, देखो टी के दो कंपोनेंट बन रहे हैं टी कोस थीटा और टी साइन थीटा। फिर इस टी को हटा देते हैं हम लोग कंपोनेंट डिवाइड करने के बाद। ठीक है, ये इधर एम ए, ये आपका एम जी। टी कोस थीटा किसके बराबर है, एम जी के, और टी साइन थीटा किसके बराबर है, एम ए के। दोनों को डिवाइड करो, थीटा एंगल कितना गया, ए टेन इनवर्स ए बाई जी। अगर इस क्वेश्चन को तुम ग्राउंड से करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, अगर तुम इस क्वेश्चन को ग्राउंड से करोगे तब भी आंसर सेम आए। करके दिखाऊं एक बार, इससे करो एक बार, ग्राउंड से तो करा है तुमने बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, कोई डाउट नहीं आया तो अभी फिर बताऊं क्या, एक बार बताइए मेरे को। मैं ग्राउंड से और बता, हाँ बताऊंगी, पहले इसको नोट करो। हो गया, अब देखिए तो नोट कर लिया ही सभी ने, 1 2 3। आगे देखो, अब की बार मैंने क्या करा, देखो अब की बार मैंने करा कि इसको मैंने ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे बैठा दिया। ठीक है, ऑब्जर्वर किस पे, आपको ग्राउंड पे। अब ऑब्जर्वर को क्या लगेगा यहाँ पे कि ये तो सच है कि ये एक्सेलरेशन से जैसे आगे बढ़ेगा पेंडुलम पीछे आएगा, ये तो फैक्ट है। ठीक है, जैसे ये एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा पेंडुलम क्या है आपका इधर, जब ग्राउंड से ऑब्जर्व करो तो न्यूटन के लॉ लगाएंगे, एफ नेट बराबर ए एम ए नेट। ये फॉर्मूला होता था एफ नेट बराबर एम ए, ये होता था ना फॉर्मूला हमारा। तो यहां से आपके पास इसमें देखो, अब इसकी एबीडी बनाओ। तो ये पेंडुलम है, ये आपके पास जैसे ये एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा इधर, तो ये आपके पास ये एम इधर आए, तो ये एंगल क्या बना था थीटा। तो ये क्या है टेंशन, बड़ा बनाऊं क्या थोड़ा, आप दिख रहा है, तो ये क्या है टी टेंशन। बॉडी के वेट के कारण फोर्स एम जी लगा, बॉडी के फोर्स के कारण क्या लगा आपके पास, एम जी। टी के दो कंपोनेंट बना लो, ये मान लिया एंगल थीटा है, तो ये बना टी के कंपोनेंट टी कोस थीटा, एक कंपोनेंट क्या बनेगा टी साइन थीटा। बॉडी बस एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, ए एक्सेलरेशन से।
बॉडी किस एक्सेलरेशन से आगे जा रही है? ए एक्सेलरेशन से। तो फिर देखो आपकी बार मैंने एम में नहीं लगाया बॉडी पे पीछे, क्योंकि ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है? ग्राउंड के ऊपर। तो उसको क्या लगेगा कि ये पेंडुलम और ये ट्रॉली किस एक्सेलरेशन से आगे जा रही है? ए एक्सेलरेशन से। तो ये किससे जा रही है? ए एक्सेलरेशन से आगे। तो मैंने ए एक्सेलरेशन लगा दिया। तो टी कोस थीटा, देखो यहां से आपके पास क्या बनी है बीडी, ये बना टी कोस थीटा, ये बना आपका एम जी, और ये बना आपका टी साइन थीटा। और एक्सेलरेशन भी किधर है बॉडी का? इस डायरेक्शन में था, ब्लॉक में यही तो करते थे। ये ब्लॉक है, वेट की काउंट फोर्स एम जी मान लिया बॉडी, ये एक्सेलरेशन से इधर जा रही है, ठीक है। टेंशन आपके पास, फोर्स भी इधर लग रहा है। तो क्या कहते थे बराबर एम ए, ये कहते थे आपके पास नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है तो एन बराबर एम जी, ठीक है। तो अब यहीं पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या लगा टी कोस थीटा, इसके बराबर हुआ एम जी के। तो एफ नेट बराबर एम ए क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट क्या लग रहा है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? टी साइन थीटा बराबर एम ए, एम एक्सेलरेशन ए, ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, टेन थीटा बराबर ए बाई जी। देखो यही आएगा ना, दोनों को डिवाइड करोगे तो थीटा क्या आया, टेन इनवर्स ए बाई जी। देखो जो तुमने ग्राउंड से करा तब भी आंसर यही आया, और जब तुम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करते हो तब भी आपका आंसर सेम आया। जब बस यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लग जाएगा। उस सिचुएशन में क्या अज्यूम कर लेंगे कि जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पे क्या लगा दो, एम ए लगा दो। उस बॉडी पे क्या लगा दो, एम ए लगा दो। बोलो अभी भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये कंसेप्ट, बताइए बेटा। देखो इसमें मैंने ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा था ना, तो ये इनर्शियल फ्रेम हो गया। अर्थ कैसा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ होल्ड होंगे, ठीक है। और ये कैसा फ्रेम होता है जो ऑब्जर्वर अंदर बैठ जाता है, तो कैसा होगा वो? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ होल्ड नहीं होते। उनको होल्ड करने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए क्या लगा देते हैं, जिधर एक्सेलरेशन से है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एम ए लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एम ए लगा देते। बताओ मैं मेरे को फिर बता दो। बोलो बेटा, नहीं आया? देखो पहले क्वेश्चन में ऑब्जर्वर आपका ये यहाँ बैठा था, ये बात समझ आ गई? तो ये इससे अपोजिट लगा दिया एम में, ठीक है, पहले क्वेश्चन में। अब की बार ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है। अरे ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे काफी सारे ब्लॉक, ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक था, या आपने ए एक्सेलरेशन लगाया, इधर फोर्स एफ लगाया, तो मैं इसकी एबीडी बनाती थी तो क्या कहती थी कि इधर नॉर्मल रिएक्शन लगा, ठीक है। तो आपके पास क्या कहते थे, एफ माइनस एन बराबर एम ए, यही तो लगाते थे एबीडी का फॉर्मूला, ठीक है। अब की बार दूसरे केस में मैंने कहा कि ग्राउंड में बैठा हुआ है ये, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा विजुलाइजेशन करो, थोड़ा सा देखो, ये पेंडुलम एबीडी वाले क्वेश्चन में आईक्यू लेवल तो चाहिए थोड़ा सा, फिर से सोचना तो पड़ता है कि जब आप ग्राउंड पे खड़े हो, ग्राउंड पे खड़े होके आप देख रहे हो कि बस ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो ये पेंडुलम भी तो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा। ग्राउंड में खड़े हुए आदमी को बस जा रही है, बस ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो उसमें बैठा हुआ पैसेंजर भी तो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है। आप ग्राउंड पे खड़े हो, तो ग्राउंड पे खड़े हो तो आपका एक्सेलरेशन कैसा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो कैसा फ्रेम बना आपका, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ क्या होते हैं आपके, होल्ड होते हैं। न्यूटन्स के लॉ क्या होंगे आपके, होल्ड होंगे। तो मैंने इसकी एबीडी बनाई, तो आपके पास देखो ये ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, मैंने ए एक्सेलरेशन इधर लगा दिया। जब ये एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा तो क्वेश्चन कहता है कि थीटा एंगल से पेंडुलम पीछे आया, तो बताइए वो कितने थीटा एंगल से पीछे आया। तो इधर मान लीजिए किसी थीटा से पीछे आया, तो इसके ऊपर टेंशन क्या लग रही है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ पेंडुलम, तो टी टेंशन। तो टी टेंशन के दो कंपोनेंट बन गए, टी साइन थीटा और टी कोस थीटा, और वेट के कारण फोर्स क्या लगा, एम जी। एबीडी को अलग अलग निकाल दो, ये बना टी कोस थीटा, ये बाई एम जी। तो देखो वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन कौन से, टी कोस थीटा बराबर एम जी, तो t cos थीटा बराबर mg, f नेट बराबर m में। जिधर एक्सेलरेशन उधर वाली फोर्स पॉजिटिव ले लो, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाली फोर्स पॉजिटिव ले लो, बताया था। तो t एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, t sin थीटा, तो t sin थीटा बराबर ma, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आया, a by g। क्या आया आपका, a by g। बताइए एक बार क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखो, तो ये नोट कर लो जल्दी से एक बार।
हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट और आईआईटी के क्वेश्चन है सारे, नीट और आईआईटी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके। बोर्ड में तो जो मैं पहले दो तीन लेक्चर करवा चुकी उसी लेवल में पूछता है, बाकी आपके पास बोर्ड से तो हटाई थी न्यूटन के लोग, पर बेटा पढ़ने तो जरूरी है क्योंकि पेपर में नीट के पेपर में आएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में और आईआईटी में दोनों में आया हुआ क्वेश्चन आपका, ये एक वैज है, इस तरह की सेट को क्या बोलते हैं, वैज, ठीक है। इसके ऊपर इस वैज का मास है कैपिटल एम, इसके ऊपर ये ब्लॉक रख दिया स्मॉल एम का, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये है एज, इस तरीके से ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, इस वैज को ऐसे कोई ए एक्सेलरेशन से आगे खींच रहा है, ठीक है। तो बताइए ये ए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन भी बताओ, तो नॉर्मल रिएक्शन भी बता दो, फाइंड ए एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, बताइए सोचिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, नहीं आएगा आप लोगों को, ये एंगल क्या है थीटा, ठीक है। अब देखो ये आपके पास इसके वेट के कारण इसका मास कैपिटल एम, इसके वेट के कारण फोर्स एमजी लगेगा, बोलो ये एंगल क्या बनेगा आपके पास। ये देखो इंक्लाइंड प्लेन पे, पहले भी समझाए इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन, कि तुम्हें लगेगा कि अभी ये सीधा रखा है तो इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सीधा, अभी इंक्लाइंड प्लेन पे हो गया, अभी किस पे हो गया इंक्लाइंड, तो वेट ऐसे लगेगा, वेट का फोर्स जो एमजी फोर्स है वो किसी एंगल थीटा पे एक्ट होगा आपके पास, ये इंक्लाइंड प्लेन में पहले भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो आपके पास ये क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगा एमजी, तो एमजी के दो कंपोनेंट बनेंगे आपके पास, एक बनेगा इस डायरेक्शन में यहां से ये बना एम, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा हमेशा, ठीक है। ये बना एमजी साइन थीटा कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट क्या बना आपका एमजी कोस थीटा कंपोनेंट, एमजी कोस थीटा कंपोनेंट। अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्वर यही बैठा हुआ अंदर, ये बैठा हुआ ऑब्जर्वर इसके ऊपर, यहां बढ़ा देती हूँ ऑब्जर्वर, ये बैठा हुआ ऑब्जर्वर यही बैठा हुआ, ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जर्वर यही बैठ गया। अगर इसको ग्राउंड से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि फिर उसके रिस्पेक्ट में एज भी ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक आ गया, इसे कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम बन जाती है अगर इसको ग्राउंड से करते हैं तो। इसलिए इसको कहां से कर लेते हैं, सुडो फोर्स के कंसेप्ट से, कि ऑब्जर्वर को यही बैज पे बैठा दिया, ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, आंसर सेम आना है, तो हम उसमें बता चुके पिछले दो क्वेश्चन में कि आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, जी आप सुडो फोर्स के कंसेप्ट से करो, जी आप न्यूटन से लोके ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे मान के करो, ठीक है। ऑब्जर्वर आपका यहीं पे बैठा हुआ है, तो क्या ऑब्जर्व करेगा आपके पास यहाँ पे, कि तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो ये इधर, ये ऐसे जा रहा है, तो इससे पीछे देखो, ये वैज है, वैज से ये इधर गया, तो एम में ए एक्सेलरेशन से इधर, ये एम में एक्सेलरेशन सुडो फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ए एक्सेलरेशन से अपोजिट सुडो फोर्स लगाते हैं इस ब्लॉक के ऊपर, एम में लगाएंगे, यहां से ये एंगल क्या बना आपका थीटा, ठीक है, इसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये बना एम ए कोस थीटा, और ये इधर एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा इधर की डायरेक्शन में एम ए साइन थीटा। तो देखो एबीडी कॉल ऐसे बनाती है, एम मास है और ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस के ऊपर रखा तो ये क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो देखो ये एम मास था, ये क्या लगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि देखो इंक्लाइंड पे है ना, तो थोड़ा टेढ़ा ही दिखा देती हूँ, तो ये नॉर्मल तुम्हें ऐसा नजर आएगा, ठीक है, मैं बता भी चुकी हूँ। देखो ये ब्लॉक सीधा लगा है तो तुम्हें दिखता है कि नॉर्मल बिल्कुल सीधा आ रहा है, लेकिन जैसे इंक्लाइंड पे कर दोगे तो ये नॉर्मल ऐसे जा रहा है, लेकिन है तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही ना, देखो ये नॉर्मल ऐसे जाएगा ऐसे टेढ़ा होने पर, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या लगा आपका एम जी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या लगा एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा, एम जी कोस थीटा लग रहा है एक, और एक क्या लग रहा है एम ए साइन थीटा, इधर देखो वर्टिकल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट क्या लग रहा है एम जी साइन थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका एम ए कोस थीटा। ये एबीडी बताओ समझ आ गई या नहीं आई, ये नहीं आया तो फिर कुछ समझ नहीं आया,
इसका बताओ कुछ मैं विंड सीन। दोबारा बता दो। विंड नहीं आई। देखो यहां से देखो, ये वैज है, ये एक वैज है, इधर दोबारा से लिख रही हूं, ये वैज है, ठीक है, ये वैज ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है। ऑब्जर्वर यहीं बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर यहां बैठा है तो क्या लगाओगे, स्यूडो फोर्स लगाओगे। स्यूडो फोर्स लगाओगे तो देखो ये एम मास है, ये क्या एम मास है। तो मैंने क्या बताया था कि जब ये एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है वेज, तो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक एम ए फोर्स लगा दोगे। इतनी बात क्लियर हुई, यस या नो? यस मैम। अब देखो, अब इसके कंपोनेंट बनाओ। यहां से ये सरफेस से ऐसे जा रहा है तो देखो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर, देखिए। अब यहां से देखिए, इतनी बात क्लियर। अब एम ए के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये एंगल थीटा बना, तो एम ए के दो कंपोनेंट बने, एक कंपोनेंट ये बना एम ए कॉस थीटा, और एक एम ए का कंपोनेंट इधर आया एम ए साइन थीटा। बोलो इतनी बात क्लियर? इसने में कोई डाउट है तो बोलिए, बताइए इसने में कोई डाउट है? अरे इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ये इतना समझ आया एमए वाला कंसेप्ट, यस या नो? बोलो भाई। यस मैम आ गया। अब देखो, वेट के कारण फोर्स लगेगा। अब अगली बात पे आती हूँ, वेट के कारण फोर्स लगेगा। वेट के कारण देखो, ये प्लेन सरफेस है, अब ये इंक्लाइंड बना तो ऐसे हो गया, तो ये वेट ऐसे जाएगा नहीं, तिरछा जाएगा नहीं, एमजी वेट। बोलो जाएगा या नहीं जाएगा? अरे कोई वेट ऐसे सीधा था तो तुम्हें सीधा समझ आता था, ये ब्लॉक है, ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, ये वेट के कारण फोर्स सीधा एमजी कहते हैं। लेकिन अब इस प्लेन को इंक्लाइंड तिरछा कर दिया तो ये वेट एमजी ऐसे आएगा या नहीं आएगा, बताओ? ये सीधा था, अब इसको तिरछा कर दिया तो ये वेट ऐसे एक्ट करेगा या नहीं करेगा? ना कि बिल्कुल सीधा नॉर्मली करेगा, सीधा ना करके इंक्लाइंड में वो वेट ऐसे आएगा। तो ये इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है देखो, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे आ गया, थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है। अब वेट के कारण फोर्स एमजी लगा, मैंने बताया था ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा। अब एमजी के भी दो कंपोनेंट बने, एक कंपोनेंट एमजी, ये एमजी है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर एक कंपोनेंट आया तो क्या बना वो एमजी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट जो इधर जा रहा है वो क्या बना एमजी साइन थीटा। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। अरे बताओ इसमें कोई भी डाउट है तो बोलिए। अब मैंने कुछ नहीं करा, एमास था, देखो एमास में कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं, एम पे एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ रहा है एम ए साइन थीटा, और एक कौन सा फोर्स आ रहा है एम जी कोस थीटा। बोलो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक फोर्स क्या लग रहा है एम ए साइन थीटा, और एक क्या लग रहा है एम जी कोस थीटा। अब एक कंपोनेंट इधर लगा, इधर कौन सा कंपोनेंट लग रहा है एम जी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आपका देखो ये इधर लग रहा है प्लेन पे एम ए कोस थीटा। बताओ आप समझ आया या नहीं आया, बताइए। बोलिए यस या नो, समझ आया या नहीं आया? बताइए बेटा, अब कुछ नहीं करना, इतना होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपके पास क्वेश्चन इजी बन गया। अब क्या करोगे, ये बना एम ए कॉस थीटा बराबर हो गया एम जी साइन थीटा, तो ए बराबर हो गया एम से एम कैंसिल, ए बराबर हो गया जी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या आ गई जी टेन थीटा, एक्सेलरेशन ए कितना आ गया जी टेन थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन के लिए लिखो, नॉर्मल रिएक्शन एन बराबर होगा किसके एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा के, ठीक है। अब आपके पास ए की वैल्यू आपको पता है जी टेन थीटा, या पुट कर दो एन बराबर एम जी कोस थीटा
साइन थीटा। और फर्दर सिंपलीफाई कर लो थोड़ा, एम जी बाहर ले लो, कोस थीटा प्लस टेन थीटा क्या लिख सकते हो, साइन थीटा कोस थीटा, या ऐसे लिखा रहने दो, टेन थीटा साइन थीटा, बस। तो ये क्या आ जाएगा आपकी नॉर्मल रिएक्शन। ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से आपने इंक्लाइंड वेज, जब वेज किसी एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, उस सिचुएशन में आपने क्या फाइंड आउट कर दिया, एक्सेलरेशन ए और नॉर्मल रिएक्शन। बताइए बेटा समझ आ गया है, नहीं आया एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी मैम बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, आपका ही नहीं आ रहा है, किसी का भी नहीं आ रहा, क्लियर क्लियर आ रहे हैं बेटा। फिर वो नेटवर्क इश्यू होगी, अगर एक बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो नेटवर्क इश्यू है आपका। नहीं मैम क्लियर नहीं आ रहा बेटा, मेरी तरफ से तो क्लियर आ रहा है, क्लियर। मैंने कई बार कहा नेट, तुम्हारा नेट कहीं गड़बड़ होगा तो फिर दिक्कत होगी। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ऐसा ही करते हैं, आपकी एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, वो एचसी वर्मा की बुक में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा हुआ है, देखो नोट कर लिया होगा सभी ने, ये मैं हटा रही हूँ इसको बोर्ड से। एचसी वर्मा में इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा दिया आगे, ये ब्लॉक एम है और ये एक आपका यहां से थोड़ा नीचे बना स्मॉल एम, ठीक है। यहां से एक पुल्ली लगा दी और उस पुल्ली से यहां पे वेट एम लगा दिया, इसको एम डैश कह दो, इसको एम कह दो, ठीक है। स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगेगी आपकी टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा आपका एमज, ठीक है। तो आपको क्या बताना है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट शुड बी द वैल्यू, व्हाट शुड बी मास ऑफ हैवी ब्लॉक, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द, व्हाट शुड बी मास ऑफ हैवी हैंगिंग ब्लॉक, हैंगिंग ब्लॉक, व्हाट शुड बी मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक, हैंगिंग ब्लॉक फॉर विच एम डज नॉट स्लाइड्स ओवर एम, फॉर विच एम डज नॉट स्लाइड्स ओवर एम, एम डस, ठीक है। जो आपके पास, आपके पास क्या हो, इसका मास क्या हो या एक्सेलरेशन क्या हो, कि आपके पास ये जो मास है इसके ऊपर स्लाइड ना करे, आपको यही बताना है कि इसका मास क्या हो, कि आपके पास ये जो है इसके ऊपर स्लाइड ना करे। तो कैसे करेंगे कि ये हैंगिंग जो ब्लॉक है, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मास, व्हाट शुड बी द मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक, व्हाट शुड बी द मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक फॉर विच एम, ये स्मॉल एम डज नॉट स्लाइड, देखो ये स्ट्रिंग टी से बंधा हुआ है तो ये स्ट्रिंग से आगे जाएगा, ये ब्लॉक किसी टेंशन टी से आगे बढ़ेगा। तो आपके पास इस कितने मास यहाँ पे लटकाए हम लोग, कितना मास यहाँ पे लटकाए कि ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर नीचे स्लाइड ना करे, ये स्लाइड ना करे। तो कैसे करेंगे बताइए आप लोग, बताइए कैसे करेंगे। मान लिया ये ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, इतनी बात क्लियर है। अरे ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ, तुम किसी वेज को स्ट्रिंग से बांध दोगे तो वो आगे बढ़ेगा किसी फोर्स के कारण, क्योंकि यहाँ वेट लटका हुआ है, किसी चीज को तुम बांध देते हो ऐसे पुल्ली से तो वो आगे खिंच के आएगा या नहीं आएगा। तो मान लिया किसी एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ा तो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें मास एम निकालना, तो एबीडी बनाते हैं सबसे पहले। एबीडी कैसे बनाएंगे आप लोग, तो देखिए क्या बनेगा, देखो सबसे पहले
जी टेन थीटा। एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, जी टेन थीटा, क्योंकि ये वाला एक इधर का, ये एम ए लगेगा, दोबारा से बना के दिखाऊं, मैं इधर बना रही हूँ, ये एम ए है, ये एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा, तो इधर ये एम ए लगेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ये एम ए कोस थीटा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ये एम ए साइन थीटा, सेम जो पिछले क्वेश्चन में था। इसके वेट के कारण फोर्स एम जी लगेगा, तो एक कंपोनेंट इधर होगा ये एम जी साइन थीटा, एक कंपोनेंट इधर होगा ये एम जी कोस थीटा, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बाकी तो सेम एपीडी वही एजीडी जो पिछले क्वेश्चन में बनी वही बनेगी, मुझे सिर्फ क्या चाहिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर लेती हूँ। तो एक कंपोनेंट तो इधर क्या बना हुआ है एम ए कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर क्या बना हुआ है एम जी साइन थीटा, तो मैं एम ए कोस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा इन दोनों को बराबर रखूंगी, तो एक्सेलरेशन ए बराबर जी टेन थीटा आ जाएगा, तो ए बराबर आ गया जी टेन थीटा। ठीक है, मुझे मास एम निकालना है, मुझे मास एम है, ये एम मास निकालना है कि ये यहाँ पे कितना लटकाए कि ये इसके ऊपर स्लाइड ना करे, कि ये मास कितना हो कि ये इसके ऊपर स्लाइड ना करे। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, यहां से एबीडी बनाइए, एबीडी देखिए, इसकी एबीडी देखो, इस एम की एबीडी, ये आपके पास टेंशन टी है, वेट के कारण फोर्स एम जी लगा इनटू एक्सेलरेशन ए, तो क्या बनेगा टी, जिधर फोर्स हो, मैंने कहा था जिधर एक्सेलरेशन हो उधर वाले फोर्स को क्या मान लेना पॉजिटिव, जिधर एक्सेलरेशन हो उधर वाले फोर्स को क्या मान लोगे पॉजिटिव, तो एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा आपका एम ए, नंबर वन इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक्सेलरेशन ऐसी, ये टी टेंशन है, ये टी टेंशन इस पे भी लग रहा है और इस पे भी लग रहा है, तो टी टेंशन टोटल टी, एफ नेट बराबर एम ए, एफ नेट बराबर एम ए, तो टी टी एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो टी टेंशन इसको खींच रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या बनेगा आपके पास कैपिटल एम डैश प्लस एम इंटू ए, देखो इसमें, अरे ये ए, ये टी टेंशन जो लगा यहाँ पे देखो, ये टी टेंशन लगा, ठीक है, नेट फोर्स ये किस पे लगा एम डैश और एम, ये टी टेंशन इस स्मॉल एम पे भी लग रहा है और कैपिटल पे भी, तो एफ नेट बराबर एम ए, तो क्या बनेगा टी बराबर एम प्लस एम डैश बन जाएगा। अब यहां से कुछ नहीं हो गया क्वेश्चन सोल्व, इसके ये मर गया, ठीक है, तो क्या बना एम जी बराबर एम ए प्लस एम डैश प्लस कैपिटल एम डैश प्लस एम इंटू ए, ठीक है, इतना नोट करिए एक बार, ए की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप लोग जी टेन थीटा, एक बार इतना नोट कर लो, बदलना नीचे आएगा नहीं, फिर आगे डिस्कस करते हैं, इतना नोट कर लीजिए एक बार, इधर से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो किसी को भी, किसी बच्चे को इतना नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लो एक बार, बताइए एक बार, दोबारा बता दो, दोबारा बता दो, देखो अब पिछला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट चेंज कर दिया क्वेश्चन में बेटा, कि एक पुल्ली लगा के ये स्ट्रिंग बांध दी, अब यहां से उस क्वेश्चन में सीधा कह देता हूँ किसी एक्सेलरेशन ए से जा रही, इसमें कह रहा है एक स्ट्रिंग बांध दी, ठीक है, तो कह रहा है ये मास कितना लटकाए, इस मास की वैल्यू बतानी है आपको कि ये जो स्मॉल एम है इस वेज के ऊपर स्लाइड ना करे, ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा कि हमने ये पता है कि ये मान लिया टी टेंशन से बढ़ा हुआ वेज, किसी को रस्सी से बांधोगे और पुल्ली से लटकाओगे, ये वेज रखो देखो किसी मेज के ऊपर, उसको किसी पुल्ली से बांध के नीचे रखोगे तो आगे सरकेगा किसी एक्सेलरेशन ए से, तो वो आगे मान लिया एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है, तो ये इधर से एक्सेलरेशन ए लग रहा है आगे जा रहा है वेज, तो इधर से भी एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो ये आपके पास इसकी एबीडी बनाते हैं, तो इसकी एबीडी क्या बनी आपके पास टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी बराबर एम ए, ये सॉरी मैंने कहा था जिधर एक्सेलरेशन हो उधर वाली फोर्स को क्या मान लोगे पॉजिटिव, जिधर एक्सेलरेशन हो उधर वाली फोर्स को पॉजिटिव मान लोगे, तो एम जी माइनस टी, एम जी की डायरेक्शन में एक्सेल लग रहा था, माइनस टी बराबर एम ए, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। अब इस वेज के लिए देखो ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा, तो ये टी टेंशन फोर्स जो लग रहा है ये इस पे भी लग रहा है और ये इस पे भी लग रहा है, इस
ये टी टेंशन पोज पूरे बैच पे लग रहा है, इसके ऊपर भी लग रहा है और इसके ऊपर भी। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ये सिचुएशन थी कि ए एक्सेलरेशन लग रहा था, कोई स्ट्रिंग नहीं लटकी हुई थी टेंशन में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये टी टेंशन फोर्स अब इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, दोनों पे लग रहा है, क्योंकि बैच के ऊपर ये इसके ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी माइनस एम प्लस एम डैश, टोटल मास क्या है एम डैश प्लस एम, तो टी बराबर क्या हो गया एम डैश प्लस एम बराबर ए, ठीक है। या नेट ऑब्जर्वर को ग्राउंड में मानते हो तो एफ नेट बराबर एम ए, अगर ऑब्जर्वर को ग्राउंड में मानते हो तो एफ नेट बराबर एम ए, नेट एक्सेलरेशन इधर, ठीक है, बराबर एम ए। तो एम ए फोर्स क्या लगेगा, दोनों पे लग रहा है ये टेंशन फोर्स, ये टेंशन फोर्स इस स्मॉल एम पे भी लग रहा है और इस कैपिटल एम पे भी लग रहा है। तो टी बराबर एम डैश प्लस एन, अब दोनों को सोल्व करा, कट कर दिया। अब यहां से मेरे पास ए की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट करेंगे, तो ये मेरे पास अभी जगह नहीं थी इसलिए मैं इधर लिखना चाह रही थी। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहाँ पे, हो गया मैम, ठीक है। एक बार इतना नोट कर लिया सभी ने, देखो थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा बेटा, इतने इजी क्वेश्चन नहीं है ये, आईक्यू लेवल तो देखो थोड़ा यूज होता है, थोड़ा माइंड में पिक्चर तो बनानी पड़ती है, ये चीज ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जाएगी, थोड़ा सा हल्का सा तो फर्क पड़ेगा, तभी तो आईआईटी नीट के क्वेश्चन है ये। अब देखिए हटा दो एक बार इसको मैं, अब देखिए यहां से अब बस सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं है आपको। देखिए क्या बन जाएगा, एम जी ए की वैल्यू यहां पुट कर दो, एम जी टेन थीटा प्लस एम डैश प्लस एम जी टेन थीटा, ठीक है। एम जी अब यहां देखो क्या बनेगा, जी से जी तो थ्रू आउट कैंसिल हो गया, ये जी यहाँ पे भी है, जी से जी कैंसिल, ठीक है। ये एम माइनस एम टेन थीटा बराबर एम डैश प्लस एम टेन थीटा, ठीक है। तो ये बना आपके पास, एम बाहर ले लो, वन माइनस टेन थीटा बराबर एम डैश प्लस एम इंटू टेन थीटा, ठीक है। एम की वैल्यू निकालनी थी कैपिटल एम की, तो क्या बन जाएगी, एम डैश प्लस एम टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस का टेन थीटा, तो ये क्या आ जाएगी, इस मास की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। नोट करिए, समझ आ गया, चाहो तो आप उल्टा भी कर सकते हो और एक दूसरी फॉर्म में रिजल्ट मिल सकता है आपको, कैसे, देखो एक तो टेन थीटा की फॉर्म में सीधा सीधा आ गया, एक रिजल्ट जो एग्जाम में आया हुआ था वो ऐसे आया हुआ था कि टेन थीटा को नीचे ले आओ दोनों के, तो वन वन बाई टेन थीटा माइनस टेन थीटा बाई टेन थीटा, या मैं कह दू थ्रो आउट आपने टेन थीटा से डिवाइड कर दिया, इधर भी टेन थीटा से डिवाइड कर दिया और इधर भी टेन थीटा से डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा एम डैश प्लस एम, ये इससे कैंसिल, तो एम बराबर वन बाई टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा माइनस वन एम डैश प्लस एम, तो ये आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा फिर आपका रिजल्ट, रिजल्ट क्या आ जाएगा फिर आपका यहां से, ये एम बराबर एम डैश प्लस एम कोट थीटा माइनस वन, कोट थीटा माइनस वन। बताइए कुछ समझ आया या नहीं आया, पूछ लीजिए किसी बच्चे को, नहीं है मैम, ठीक है। बस बेटा एक क्वेश्चन लास्ट पर छोड़ दूंगी, लास्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, वो आप कर लेना, मैं एपीडी एपीडी समझा देती हूँ, सॉल्व तू खुद कर लेना, ठीक है। किसी को कम समझ आया हो तो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर डाल दूंगी कल, तो रिवाइज करके दोबारा देख लेना, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये एक पुल्ली है, ठीक है, ये मास है मान लिया 1 किलोग्राम और ये मास मान लिया आपने 2 किलोग्राम, ठीक है। ये किसी एक्सेलरेटेड मशीन में रखा हुआ है पूरा सिस्टम, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन जो है ये जी बाई फाइव से ऊपर जा रहा है, ये पूरा सिस्टम जी बाई फाइव से ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से,
ठीक है, ऑब्जर्वर यही बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर यही बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास ऑब्जर्वर जब यहाँ है तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये वैसे तो घूम रहे हैं, पर ये रेस्ट में है ऑब्जर्वर के, इस एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये किसमें है, रेस्ट में, क्योंकि ऑब्जर्वर अब लिफ्ट में ही बैठ गया, ऑब्जर्वर किस में बैठ गया, लिफ्ट में ही बैठ गया। तो एपीडी बनाइए, एपीडी देखो मैं 1g की बनाती हूँ, यहाँ पे ये जी फोर्स लगेगा, mg 1 है तो 1g, ठीक है। और क्या बताया था कि जिधर एक्सेलरेशन हो, जिधर एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को मैं ए डैश कह देती हूँ, उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दो, उसके बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में एम ए डैश लगा दो, तो यह बन जाएगा 1a'। इसी तरह ये टेंशन टी, इसी तरह ये टेंशन टी, इसी तरह ये क्या लगा 2g फोर्स, ये क्या लगा 2g फोर्स, और एक क्या लगा दोगे 2a'। 2a', क्योंकि ऑब्जर्वर अब अंदर ही बैठा हुआ है, अंदर बैठेगा ऑब्जर्वर तो स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा, और स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा तो लिफ्ट जिस एक्सेलरेशन से जा रही होगी, तो मैं उसी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा हूँ, जिस एक्सेलरेशन से आपके पास लिफ्ट आगे जा रही होगी, ठीक है अक्षर बेटा, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट आगे जा रही होगी उसी एक्सेलरेशन से आपके पास ये मैन आगे जा रहा होगा, तो उस सिचुएशन में क्या लगाते हैं, स्यूडो फोर्स, क्या लगाते हैं, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स में क्या करते हैं, जिधर बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन है, जिधर लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दो, ए डैश लगा दो, एम ए डैश, एम ए लगा दो, तो ए डैश, मैंने इसको ए डैश माना हुआ है। तो एपीडी देखिए, इसके अलग से ये बना टेंशन टी, और ये बना हुआ है आपके पास जी इंटू ए डैश, ए डैश की वैल्यू कितनी है, g/10, g/5, ठीक है। ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा 1 किलोग्राम, ठीक है, पुल्ली है तो पुल्ली में तो मूव करेंगे आपस में, ठीक है। तो ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, वो स्प्रिंग की रीडिंग भी नोट करेगा तो वो भी कर देंगे। तो ये बना आपके पास इसकी एपीडी, सेकेंड की एपीडी देखो, ये टेंशन टी ऊपर लग रही है स्प्रिंग पे, ये एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा, ठीक है। तो आपके पास पिछले क्वेश्चन में ब्लॉक, ब्लॉक में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, पिछले क्वेश्चन में जब मैंने ये वाला लिफ्ट वाला समझाया था, ये टेंशन टी, ये एमजी, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ था, ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा, मैंने ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन नहीं बताया था, यहाँ पे पुल्ली किसी एक्सेलरेशन, ये जो मास पुल्ली पे लटका हुआ है ये किसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर या नीचे जाएगा पुल्ली से है तो, क्योंकि पुल्ली पे बांधते हो बकेट से, कुएं से पानी खींचते हो, तो एक बार ऐसे जाती है बकेट, एक बार नीचे जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, तो ये यहाँ से इस बार ये भी ब्लॉक भी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, लिफ्ट भी जा रही है, ठीक है, और ऑब्जर्वर लिफ्ट में ही बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर लिफ्ट में बैठा हुआ है, उसके क्या लगाएंगे, स्यूडो फोर्स, क्या लगाएंगे, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या है कि जिधर ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, जिधर लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में एम ए डैश लगा दो, एम ए लगा दो, ठीक है। अगला देख लीजिए, यहां से बस हो गया, तो ये बना 2g और ये बन जाएगा 2a' की वैल्यू g/5। बस अब एबीडी बना लेते, सॉल्व घर से कर लेना। ये बना देखो, यहाँ से टेंशन टी है तो टी माइनस जी माइनस जी बाई फाइव बराबर ए, एक्सेलरेशन भी लग रहा है एम ए डैश, तो क्या बन जाएगा ये ए, बस ए वन है ना मास। अगला इसकी एबीडी देखो, टी माइनस 2g माइनस 2g/5 बराबर 2a, बस। अब ये दो इक्वेशन है, इनको सोल्व कर लेना, आपका एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू निकल जाएगी, लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, छोड़ रही हूँ बस, इसको नोट कर लीजिए, कुछ नहीं, अब इन दो इक्वेशन है, यहाँ से टेंशन और एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है, कर लिया, ठीक है। नहीं समझ आया तो कल एक बार रिपीट कर दूंगी, इस क्वेश्चन को बता देना मेरे को, ठीक है, ओके बेटा, अटेंडेंस ले लो, वन, हाँ 1 सेकंड, मैं अभी अटेंडेंस ही ले रही हूँ।